गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं सुबह शाम तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा प्रतिभा मामी भोपाल। ये बड़ी प्रिय कहानी मुझे लगती है, बहुत अच्छा दृष्टांत मुझे लगता है। जंगल में पहुंच गया, जैसे ही जंगल में पहुंचा, मरना है, आज घर नहीं लौटना, आज सुसाइड करना है, आज आत्महत्या करना है, आज मुझे जीना ही नहीं है, जिंदगी से तंग आ गया हूँ। चलते जा रहा, एक वृक्ष के नीचे पहुंचता है, क्या देखता है, एक नग्न दिगंबर संत बैठे हुए हैं, जिनके तन पर एक धागा भी नहीं हुआ करता है, आकाश के नीचे बैठे परमात्मा का ध्यान कर रहे। भिखारी ने देखा, अरे ये क्या है, ये एक आदमी मुझसे भी गरीब दिखाई दे रहा है, मेरे तन पे तो एक धोती है एक लंगोटी है, इनके पास तो एक लंगोटी भी नहीं। उसने कहा, यार मरने आए थे लेकिन ये आदमी कुछ गड़बड़ कर रहा है, ऐसा क्यों बैठा है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ना रोटी है ना कपड़ा है ना मोटर है ना कार है ना नौकर है ना चाकर है ना गाड़ी है ना लाड़ी है, कुछ भी नहीं है, फिर भी लगता बहुत बड़ा खिलाड़ी है ऐसा बैठा हुआ है। मरने जा रहा था, संत के पास पहुंच गया, देखता है तन पे कपड़ा भी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, चेहरे पर ऐसा तेज, बाहर से तो भिखारी दिख रहा लेकिन भीतर से सम्राट लग रहा है देखने में, कोई बादशाह के तरीके से बैठा हुआ है, शहंशाहों की तरीके से बैठा हुआ है। कहां गया था, मरने गया था, कहां पहुंच गया, साधु के पास पहुंच गया। जैसे ही साधु ध्यान में बैठे थे, ध्यान में मग्न थे, वो भी चुपचाप वहां बैठ गया, उसने डिस्टर्ब नहीं किया, उसने दरवाजे नहीं खटखटाए, उसने नहीं कहा महाराज खोलो, कोई डिस्टर्ब नहीं, शांति से गुरु के चरणों में बैठ गया, हाथ जोड़ करके दर्शन करने लगा, बीतराखता निहारने लगा। आया था मरने को, पहुंच गया संत के पास। अब जैसे ही संत दर्स सब पातक तरही, जो संत के दर्स कर लेता है उसके पाप अपने आप उसे छोड़ करके चले जाया करते हैं। साधुओं के अभी जितनी देर तुम बैठे हो कोई पाप तुम्हारे पास नहीं आ रहा है, ना घर की चिंता ना बच्चों की चिंता ना कमाने की चिंता ना रुपए की चिंता ना माँ की चिंता ना बाप की चिंता, साधु की वाणी में बैठे हुए हो, इसीलिए तुलसी को कहना पड़ा संत दरस सब पातक टरहे। जितनी देर संतों के पास बैठे हो उतनी देर कोई पाप तुम्हारी आत्मा को छू नहीं सकता है, पुण्य के क्षण है, आनंद के क्षण है। बैठा रहा, टुकुर टुकुर देख रहा है, 10:30 बज गए, अभी बजने में टाइम है, 9:30 बजे अपने यहां तो है, वहां 10:30 बज गए। मुनि महाराज उठे, उन्होंने कमंडल का जल लिया, शुद्धि की, आचमन किया, चरण प्रक्षाल किए, पीछे कमंडल उठाए और चल दिए आहार के लिए। ये भी चुपचाप देख रहा है, यार इसके तन पे कपड़े नहीं है, जा कहां रहा है, कर क्या रहा है, मुंह से कुछ बोलता नहीं है, बात करता नहीं है, पीछे पीछे चल दिया, ऐसे चला जैसे गाय के पीछे बछड़ा चला जाता है, मुनि के पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा, देखो ये बाबा जाता कहां है। बाबा जंगल से उठे, शहर में पहुंच गए, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े धनपति, हे स्वामी नमोस्तु। अरे इसने कहा, यार स्वामी कौन है, ये है या ये है, समझ ही नहीं आ रहा है। बड़े बड़े नगर सेठ, बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े अरबपति लोग, हे स्वामी मेरे घर में पगलिया जी पार दीजिए, हे स्वामी आपके चरण मेरे घर में आ जाए, हे स्वामी पधारो मेरे घर धन्य करो। भिखारी सोच रहा है, यार स्वामी को नजर समझ नहीं आ रहा है, ये बिना कपड़े वाला स्वामी है या ये कपड़े वाले स्वामी है, कौन किसको स्वामी कह रहा है समझ ही नहीं आता है, विचार करिए, कौन मालिक है, कौन सम्राट है, कौन भिखारी, कौन दास है। बड़े बड़े लोग स्वामी कह रहे हैं, देखो ना आहार के समय, अभी देखना नीचे में जाऊंगा, अभी आए, बोले हमारे घर में आहार का सौभाग्य दीजिए, इनका अभी गाड़ी खराब है, पंचर चल रही है, ज्यादा दूर नहीं जा सकती है, ले जाना है इनको, ले जाओ, बोले आप चलो, इनके ऐसे थोड़ी चले जाते हैं, विचार करिए, सोचना है आप विचार करिए, चौके में क्या हालत होती है, भोजन तुम्हारा, आहार तुम्हारा, मकान तुम्हारा, कमाई तुम्हारी, मेहनत तुम्हारी, पैसा तुमने कमाया, और मजे तो देखो पड़गने के बाद मालिक तुम हो और स्वामी हम कहलाया करते हैं, ये संत की साधना होती है, सब कुछ तुम्हारा, मालिक हमें बना, हे स्वामी, हे स्वामी।
स्वामी। अरे उसने कहा यार ये कैसा स्वामी है, समझ में नहीं आ रहा है, भिखारी पीछे पीछे देख रहा है, टुकुर टुकुर देख रहा है। राजा मुनिराज चले जा रहे, हजारों लोग कलश लिए, कोई बंदरवार लिए, हे प्रभु पधारो, कोई दीपक लिया, कोई आरती लिए, हमारे घर को धन्य करो, हमारे चौके को शुद्ध करो, हमारे जीवन को पवित्र करो। एक बात याद रखना भिवंडी वालों, यदि तुमने किसी संत को आहार करा दिए तो तुमने उनपे कोई एहसान नहीं किया है, एहसान तो संत करता है, तुमसे आहार लेकर स्वर्ग मोक्ष के रास्ते खोल दिया करता है, कल्याण के रास्ते खोला करता है। तो बोले स्वामी पधारो पधारो, लेकिन संत की जाने का नाम नहीं। संत जाकर राजा के सामने जाकर के खड़े हो गए, सम्राट के सामने। राजा ने प्रदक्षिणा लगाए, हे स्वामी पधारो भोजनशाला में, आहार कक्ष में चलिए। भिखारी देख रहा यार ये राजा, ये सम्राट मुकुटधारी राजा, ये इनको हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा है, इसके तन पे एक चिंदी भी नहीं है, क्यों प्रणाम कर रहा। अब बेचारा तुम्हारी तरह समझदार तो था नहीं, पढ़ा लिखा तो था नहीं, वैसे भी तुमको अपने को समझते रहो समझदार, अकल तो कुछ है नहीं है? लेकिन वो तो बिल्कुल अनपढ़ गंवार था, चुपचाप देख रहा हो क्या रहा। रानी ने प्रदक्षिणा लगाई, उच्चासन दिया, सोने के थाल में 56 भोग लेकर आए, हे स्वामी आहार ग्रहण करिए। इसने कहा यार ये बाबा के तो बड़े मजे हैं, आया था मरने, कहाँ जाया, घर छोड़ के कहाँ जा रहा था, कहाँ उलझ गया महाराज बाबा के चक्कर में। महाराज के पास देख रहा है, आहार कराया, भोजन कराया, महाराज के आहार हुए। उसने कहा यार ये बाबा की बड़ी बात है यार, राजा खिला रहा है, हम भीख मांगने जाएं तो मंत्री संतरी दरवाजे से ही भगा देते हैं। इसको कह रहे हे स्वामी उच्चासन पे बैठो, रानी पंखा झल रही है, महाराज के आहार चल रहे हैं। बोले यार बड़े मजे हैं इस बाबा के साथ तो। हुआ क्या, महाराज का आहार हुआ, महाराज को घर जंगल तक छोड़ने आए। रानी ने सोचा यार सफेद धोती पहना है, वो क्या जाने भिखारी इकारी है, वो समझा कि ब्रह्मचारी है। बाबा का ब्रह्मचारी होगा, चेला होगा, मुमुक्षु होगा। रानी ने कहा हे स्वामी पधारो। अरे भिखारी ने सोचा यार मरना कैंसिल, क्या करेंगे मर के, बाबा के साथ रहो, खाने को मिल रहा है आराम के साथ। रानी ने कहा आओ स्वामी पधारो ब्रह्मचारी जी। चंदन का पाटा लगाया, थाली लगा, रहे उसने कहा मजा आ गया, कहाँ सुसाइड करने जा रहा था, बाबा के साथ रहो, आनंद ही आनंद है, और मैं भी आपके सेहरा हूँ, मेरे साथ रहो, इस जन्म में भी आनंद है और अगले जन्म में भी। ध्यान रखना ये आनंद रुपया पैसा कमाने में नहीं मिलता है, कितना भी बड़ा 3-3, 4-4, 10-10 करोड़ के फ्लैट ले लेना, जो आनंद संतों की संगति में है वो आनंद राजमहलों में प्राप्त नहीं होता है। विचार करो, रानी ने भोजन कराया, रानी ने कहा और लीजिए स्वामी जी, और लीजिए ब्रह्म। अरे लूंगा, भूखा हूँ, 3 दिन से खाना नहीं मिला है, कभी बाप जन्म में नहीं ऐसा खाना खाया। बोले नहीं नहीं स्वामी जी लो ना। अरे बोले लाओ, लाते जाओ, चला जा रहा सटासट, एक गुलाब जामुन, रसगुल्ले, चमचमे, पानी पूरी, सब चला जा रहा है, चौपाटी की भेल पूरी आ गई बनाकर, खाओ स्वामी खाओ। अरे उसने कहा यार आज तो खा लो जी भर के, जिंदगी में जन्म जात का दरिद्र, कभी खाना नहीं देखा, रूखा सूखा भीख मांगता, आज 56 भोग खा लिए। रानी ने कहा और लो स्वामी जी। अरे बोले लाओ और लाओ और लाओ। पी गया दूध रबड़ी, कौन बोला महाराज ज्यादा मत बोलो, हमारे मुंह में पानी आ रहा है। नहीं, एक जगह में आहार को गया, एक आदमी बोला जल्दी बैठो, बोले का क्यों, बोले पानी आ रहा है मुंह में। तो आहार हुआ, पिलाया पिलाया, उसने सोचा आज के बाद मरना कैंसिल, अपने को इस बाबा के पीछे पीछे चलना है, रोज मौज करना है, रोज आनंद करना है। चला गया बाबा के पास, अब कहीं नहीं जाना है, काय को मेहनत करूं, रुपया कमाऊं, पैसा कमाऊं, ये धनपति मुझे खिला रहे तो आराम से खाऊंगा। मुनि महाराज के पास चला गया, महाराज आहार करके ध्यान में बैठ गए। अब पागल को क्या मालूम, रात शाम हुई, बोले बाबा चलो। अब वो क्या जाने की बाबा क्या है, बोले चलो बाबा उठो। अब उस पागल को क्या मालूम है 24 घंटे में 1 बार खाते हैं,
वो तो सोचा यार जुगाड़ लग गया अपना, अच्छा दोनों टाइम बाबा खाएंगे पानी पिएंगे। उसे क्या मालूम कि ये संत वो संत है जो एक बार पानी पीता, एक बार भोजन करता है, दोबारा भोजन नहीं करता। बोले बाबा चलो 5 बज रहे हैं, अंधेरा हो जाएगा, चलो खाने के लिए चलते। बाबा काहे को, बाबा तो ध्यान में बैठ गए। उसने कहा यार ये बाबा भी यार बड़ा गड़बड़ है, किस्मत कहाँ कहाँ ले जाती है, सुबह खिलाया शाम नहीं जा रहा है। तो उसने सोचा कि यार ऐसा करो कि चलो अपन भी आज छक्कर के खाए हैं, पूरा ओवरलोड हो रहा है अपना, लगता है बाबा भी आज ज्यादा ले लिए हैं, चलो हम भी नहीं खाते वो भी नहीं खाते, साधुओं के साथ रहो चरित्र अपने आप दौड़ा दौड़ा चला आता है। बोले चलो मैं भी नहीं खाऊंगा। दूसरे दिन फिर 10:30 बजे बोले बाबा अब तो चलो, कल का तो पच गया मेरा, अब चलो। वो बाबा उसे पागल को क्या मालूम, बाबा एक दिन आहार करता है और 1 महीने के उपवास करता है। मासोपवासी महाराज मेरे जैसे तो थे नहीं कि रोज उठ जाएं, एक बार किया तो महीने भर नहीं जाना आहार को। मासोपवासी मुनि आज चतुर्थ काल की घटना है। इसने कहा यार ये बाबा जाते ही नहीं, ऐसा क्या खा लिया है, क्या खिला दिया रानी ने, ऐसी कौन सी औषधि, आज भी नहीं जा रहा है, दोपहर हो गई। बोले बाबा चलो अपने लिए नहीं तो कम से कम मेरा तो जुगाड़ लगे, बाबा तो ध्यान में, उनने ध्यान ही नहीं दिया कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। अंतस के पटबंद करके आत्मा में लीन है, आत्मा में डूब गए, चेतना में डूब गए, ब्रह्म को अवसाद कर लिया, सिद्धत्व को प्राप्त करने की साधना कर रहे। वो कहाँ भिखारी की बात सुन रहे हैं, भीतर का अमृत पान कर रहे, ज्ञान अमृत में डूबे हुए मुनिराज। उसने कहा बाबा चलो शाम हो गई, कुछ तो मेरा ख्याल करो। बाबा नहीं गए। दूसरा दिन भी तब भूखा रहा बेचारा। उसने कहा यार किस्मत एक दिन खिलाती है एक दिन भूखा रखती है, कोई बात नहीं, कल तो बाबा पक्का जाएगा। कल 10:30 बजे बोले बाबा आज चलो। बाबा कहाँ जाने वाला है, ना बाबा जा रहा ना ढाबा मिल रहा, कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान में बैठे मुनि महाराज। उसने कहा यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ये भी जानता था कि बाबा नहीं गया तो मेरा भी जुगाड़, राजा मुझे कहाँ रानी खिलाएगी, इसके चक्कर में तो मुझे मिला था, इनकी बदौलत तो मुझे खाने मिल रहा था, ये नहीं जाएंगे तो मेरा भी जुगाड़ नहीं है, भगा देंगे लोग मुझे। उसने कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले एक काम करो, दिमाग उसका सूजा, भूख लगी थी, भूख लगी तो लाख उपाय, क्या करे बेचारा। उसने कहा कि एक काम करता हूँ, ये दिगंबर संत बनने में कोई लफड़ा तो है नहीं कि एक उतारो दूसरे पहनो। उसने कहा करना क्या है, जो है उतार के रख दे। उसने अपनी धोती उतारी, बोले बाबा ये रखो, लाओ तुम्हारा ये लाइसेंस, कि मालूम इसके बिना तो खाने मिलेगा नहीं, ये छोड़ दें तो कोई देने वाला नहीं है, पत्थर और मारेंगे लोग। उसने कहा लाइसेंस लाओ और कमंडल उठाया, बोले ऑल इंडिया परमिट, ये दोनों आधार कार्ड मेरे हवाले करो। उसने अपनी धोती उतारी और बाबा से कहा बाबा इसका ध्यान रखना, मैं खा के आता हूं। वो पागल क्या जाने, जो आत्मा का ध्यान रखते वो तेरे कपड़े का ध्यान रखेंगे। उस भिखारी के मन में आया यार बाबा थोड़ा अड़ियल स्वभाव का है, रूखा स्वभाव का है, मेरी धोती उड़ गई तो मेरा क्या होगा। एक पत्थर लाया धोती पे रख दिया और चला पिछी कमंडल लेके आहार को। अब जैसे ही पहुंचे आहार को, गाँव के लोगों ने कहा यार 2 दिन पहले ब्रह्मचारी था, इसकी लगता दीक्षा हो गई। पहले ऐसी दीक्षा तो होती नहीं थी कि बड़े पोस्टर वोस्टर लगाओ, बिनोला निकालो, जलूस ने, पहले तो गए कपड़े उतारे, हो गई दीक्षा और क्या रखा है। पहले इतना आडंबर तो होता नहीं था जितना आज होता है। तो उसने कहा गांव के लोगों ने सोचा कि यार ये बाबा ये ब्रह्मचारी महाराज बन गया, मौन ले लिया, बोला कुछ नहीं, पिछली कमंडल लिए चला। अब जैसे ही चला, हे स्वामी हे स्वामी हे स्वामी, अरे उसने कहा आ गया मजा मरना। तुम लोग तो ऐसे कह रहे कैंसिल जैसे तुम ही बैठे थे वहां पर विचार। बोले मरना कैंसिल, अब तो रोज मजे करेंगे बाबा, तुम ध्यान करो, हम अब तुम्हारी दुकान चला रहे हैं। गया घूमा पिछी कमंडल लेकर, ध्यान रखना दिगंबर संत जब भी आहार को जाता है पिछी कमंडल हाथ में रखता है, इसका मतलब ये होता है कि भगवान महावीर ने कहा है कि मर जाना लेकिन मांग कर भोजन ग्रहण नहीं करना है, जो तेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो हाथ फैलाने की जरूरत। इसलिए दोनों हाथ बांध दिए, इधर एक हाथ इधर रख दिया एक इधर, ताकि तू फैला नहीं सके, तीसरा हाथ तो तेरे पास है नहीं। तो बोले कि आजकल के मुनि उनने कहा कि चलो हाथ नहीं
फैलाएंगे, मुंह से कह देंगे दे दो, तो कहा जब तक आहार हो तब तक मौन धारण करना है। आप कहीं से याचना नहीं कर सकते हो, मांग नहीं सकते हो, तकदीर में होगा ध्यान रखना, संकल्प मिलेगा तो भोजन होगा, वरना भूखा मरना स्वीकार है, लेकिन श्रावक से मांग के खाना स्वीकार नहीं हुआ करता है। जैन संत कभी मांग के नहीं खाता है, भिक्षा नहीं मांगा करता है, चला गया मुनि वन के, अब नकली मुनि है, घूम रहे हैं पूरे में शहर में, उसने सोचा मन में, अरे ये बड़ा बड़ा सेठ कह रहे हे स्वामी पधारो, नगरपति कह रहे हे स्वामी पधारो, उसने कहा मैं भी बड़े गुरु का चेला हूँ, जाऊंगा तो राजा के घर ही जाऊंगा, और किसी के घर जाने वाला नहीं। सब कह रहे स्वामी, हजारों चौके, स्वामी स्वामी ने कहा कैसा स्वामी, किसका स्वामी, स्वामी की हो गई नीलामी, ऐसे कैसे तुमको ये स्वामी मिल जाएगा, मैं कोई छोटे मोटे गुरु का चेला थोड़ी हूँ, मैं भी राजा, और उस किस्मत तो देखो उस दिन राजा ने चौंका, तकदीर देखो कब कहां कैसी ले जाए, किस मोड़ पर ले जाए, महाराज भी बन गया, पिशी का मंडल भी ले आया, राजा ने चौंका, पूरे में घूमा, खाऊंगा तो राजा के घर। ध्यान रखना कितने भी नकली मुनि हो जाओ, पिछी कमंडल आ जाए तो पता चल जाता है मुनि की चर्या क्या हुआ करती है। ध्यान रखना नकली महाराज भी असली चर्या करते हैं, उसने भी संकल्प ले लिया राजा के घर ही आहार होगा, वरना भूखा रहूंगा, किसी के घर आहार को नहीं। तीन चक्कर लगाए राजा तो गायब, राजा ने चौकी नहीं लगाया, लौट के वापिस आ गया, जैसे ही आया आज भी भूखा, तीन दिन से भूखा, गया कहा बाबा तुम भी भूखे रहो और मुझे भी भूखा मारो, हमने सोचा था कि तुम्हारे चरणों में ठिकाना है, यहां तो कोई जुगाड़ ही नहीं लगा, तीन दिन से एक दिन में इतना खिला दिया, तीन दिन से मैं भूखा हूं, क्या कर रहा था, पिछी कमंडल वापिस कर रहा है, धोती उठा रहा है, मुनि ने कहा ठहर जाओ, ध्यान खोला, घबरा गया पसीना पसीना, मुनि ने कहा घबरा मत, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं, टेंशन मत ले, ये कर क्या रहा है तू, ये क्या कर रहा है, बोले बस महाराज तीन दिन से तुम्हारे साथ हूं, मेरे साथ है मुझे पता ही नहीं है, बोले ताई तीन दिन से आपके साथ हूं, क्या कर रहा है ये, बोले मरने चला था तो मरा क्यों नहीं, बोले आप दिख गए, जहां पर बीतराकता दिख जाए वहां अशुभ भाव हमें छोड़ करके अपने आप चले जाते हैं, उसने कहा आप दिख गए बाबा, इसलिए मैंने मरना कैंसिल कर दिया, कर क्या रहा है, बोले बाबा तुम ऐसा क्या खा के आए थे, तीन दिन से तुमने खाया नहीं, भूख नहीं लग रही, मुझे भूख लग रही, तो बोले तूने कहाँ खा लिया, बोले एक दिन रानी ने खिलाया, तुम नहीं गए तो मेरा भी जुगाड़ नहीं लगा, तो तू कर क्या रहा, बोले मैंने सोचा कि तुम्हारे जैसा रोल अदा करूं तो भोजन मिलेगा, तो मुनि ने कहा क्यों नहीं किया भोजन, अरे बोले वो तुम्हारा चेला है ना वो राजा, हाँ, बोले बड़ा बदमाश है, बोले क्यों, बोले तुम्हारे लिए चौका लगाता मेरे लिए नहीं लगाता है, अरे तो बोले दूसरी जगह खा लेता, अरे ऐसे कैसे खा लेता, बड़े गुरु का चेला, राजा के घर ही आहार करूंगा, कहीं नहीं करूंगा, आपसे कम हूं क्या मैं। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञान।